नई वाली MT15 2.0 का नया मॉडल, नया वेरिएंट इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि आज भी हमें MT125 का इंतज़ार करना चाहिए या फिर हमें MT15 ले लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आज भी हमारे दिमाग में है, और क्यों नहीं रहेगा भाई। एक मिडिल क्लास जो पर्सन होता है ना, वो बड़ी मेहनत से बड़े भाई मतलब दो दो तीन तीन साल EMI पटा के उसमें भाई इंटरेस्ट पे करके वो अपनी ज़िंदगी की एक स्पोर्ट्स बाइक खरीद पाता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि क्या MT15 ले लें या MT125 का इंतज़ार करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं नई वाली MT15 के बारे में। देखिए MT15 जो नई वाली, आपको पता इंडियन मार्केट में न्यू मॉडल लॉन्च हुई है जिसमें काफ़ी सारे आपको चेंजेस भी देखने को मिले हैं, करेक्ट। अब दोस्तों इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ चुका है, ऑब्वियस सी बात है कंपनी प्राइस तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। ये आपको एक्सरूम प्राइस 168,400 के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिल रही है। अब ये ऑन रोड प्राइस जाएगी अराउंड मेरे हिसाब से कम भाई ये जाएगी 2,04,000 रुपये, 2,04,000 रुपये के आसपास की अब आपको ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है बाइक का जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब दोस्तों अगर हम MT125 का वेट करते हैं तो उसके लिए फ़िलहाल हमें ये नहीं पता कि हमें कब तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई कि बाइक 4 साल बाद आ रही है, 5 साल बाद आ रही है, 1 साल बाद आ रही है, कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिर ये तो यही हो गया कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई एक तो हमें दिखता नहीं है, है, और अगर दिख रहा है तो हम देखना नहीं चाह रहे, ये वाली चीज़ अगर हम MT125 का इंतज़ार करते हैं तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो नई वाली MT15 2.0 आई है उसमें कंपनी ने जितनी भी कमियाँ थी वो सारी कमियाँ दूर कर दी है। हालांकि बाइक में पहले भी बहुत कम कमियाँ थी, लेकिन हाँ एक दो कमियाँ थी जिसमें से सबसे पहले था ABS। बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता था जिससे लेकर हर लोग बोलते थे कि भाई बाइक में डुअल चैनल होना चाहिए। आई एग्री। फाइनली यामाहा वालों ने आपको डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस बाइक में प्रोवाइड कर दिया, तो ये मेजर अपडेट जो है बाइक में कर दिया इन्होंने, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूँगा डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बाद बाइक में आपको LED जो टर्न सिंगल लैप है वो भी कंपनी ने प्रोवाइड कर दी, तो ये भी आपको बाइक में बहुत बेहतर देखने को मिला कि LED टर्न सिंगल लैप का हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और वो भी यहाँ पे कंपनी ने ऐड कर दिया, तो ये भी एक जो अपडेट है आपको बाइक में मिला है। तीसरा अपडेट है TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। कंपनी ने इस बाइक में TCS जो भी है वो भी ऐड कर दिया, जो ऑब्वियस सी बात है MT125 में आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ नए फीचर आपको MT15 में देखने को मिले हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है MT125 की। देखिए MT125 भी बहुत प्यारी बाइक है, लेकिन अगर हम MT15 से कंपेयर करते हैं तो MT15 में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़्यादा पावर मिल रही है, ज़्यादा फीचर मिल रहा है, डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। 125 में किसी भी हालत पे डुअल चैनल ABS नहीं मिलेगा, इतने सारे फीचर नहीं मिलेंगे, इतनी अच्छी पावर नहीं मिलेगी, स्लीपर क्लच नहीं मिलेगा। तो अगर आप MT15 के लिए थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो वो आपके लिए वर्थ है। MT125 आएगी भी तो 1,50,000 से 1,60,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड जाएगी, उससे कम में तो ये बाइक नहीं मिलने वाली, और अगर उससे कम में मिलती है तो फिर लिक्विड कूल वाला इंजन नहीं मिलेगा। तो अगर इस सेंस के हिसाब से देखते हैं तो MT15 इज़ अ गुड चॉइस। MT15 हमारे लिए गुड चॉइस है एज़ कम्पेयर टू 125, क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है कि MT15 में अगर हम थोड़े ज़्यादा पैसे डाल रहे तो हमें वैसी चीज़ मिल भी रही है। बाकी देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई बाइक नहीं है, आपको बाइक एकदम अर्जेंट है, नीड है, तो फिर आपको आंख बंद करके MT15 के साथ में जाना चाहिए। अगर आप आज MT15 लेते हैं और कल अगर MT125 लॉन्च भी होती है तो भाई कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किए हैं वो वर्थ है। उसके अलावा अगर MT125 भाई फिलहाल यही बात है कि कब तक आएगी क्या आएगी उससे हम बिल्कुल नहीं कह सकते, ऐसा है कि हमें दिख नहीं रहा या फिर हम देखना नहीं चाहते, बात ये सच है। जब तक यामा की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आएगा तब तक हम नहीं बोल सकते कि MT125 आ रही है, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता MT125 का वेट करने का, ठीक है। MT15 की जगह आपको आंख बंद करके MT15 ले लेनी चाहिए, और भाई MT15 में जो कमियाँ थी वो भी कंपनी ने पूरी तरीके से चेंज कर दी है, और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों MT15 जो बाइक है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और भाई आंख बंद करके आपको ये ले लेनी चाहिए। सो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।